नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य देवता मेष लग्न की कुंडली में सेवंथ हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। चर्चा करने से पहले अपन ये देखेंगे कि सूर्य देवता की सेवंथ हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, सेवंथ हाउस आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। अगर लड़के की कुंडली है तो आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, लड़की की कुंडली है तो आपके होने वाले हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। सेवंथ हाउस से आपके बिजनेस को भी देखा जाता है कि आपका बिजनेस किस तरह से रहेगा, बिजनेस में आप तरक्की करोगे, बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सेवंथ हाउस से देखा जाता है। पार्टनरशिप को भी देखा जाता है कि बिजनेस आप जिसके साथ कर रहे हो उसके साथ पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपकी आपकी वाइफ के साथ भी एक तरीके से पार्टनरशिप ही होती है। फॉरेन ट्रेवल्स को भी देखा जाता है, फॉरेन ट्रेवल्स बिजनेस से रिलेटेड जो फॉरेन ट्रेवल्स किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सेवंथ हाउस से ही देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जाते हैं, बिजनेस में कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शादी भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। सेवंथ हाउस से आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा ये भी देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेंगी, सुख रहेगा या दुख मिलेगा आपको दाम्पत्य जीवन से, ये देखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सेवंथ हाउस में जब सूर्य बैठते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को यहाँ पे कमज़ोर माना गया है, यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते सूर्य देवता। अब कमज़ोर क्यों माना गया है सेवंथ हाउस में, क्योंकि सेवंथ हाउस में अगर सूर्य देवता बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका जन्म शाम को हुआ है, इवनिंग में हुआ है, 6 बजे के करीब। तो इवनिंग में सूर्य अस्त होता है, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश कम होता है, इसलिए सूर्य देवता को यहाँ पे कमज़ोर माना गया है। अगर ये सूर्य देवता फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका जन्म मॉर्निंग में हुआ है। यदि 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपका जन्म दोपहर में हुआ है, इसीलिए 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली माना गया है, ताकतवर माना गया है, क्योंकि दोपहर में सूर्य के जो प्रकाश है वो बहुत तेज होता है। तो दोस्तों, अब सूर्य देवता सेवंथ हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो सूर्य देवता जब सेवंथ हाउस में बैठेंगे तो सूर्य क्या है, अग्नि का कारक है, अधिपति है, सूर्य ईगो का कारक है। तो जब भी सेवंथ हाउस में बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुखों का अभाव रहेगा, दुख ज़्यादा रहेंगे। किसकी वजह से, ईगो की वजह से, सेल्फ प्राइड की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहेगा। अब जब भी कोई प्लेनेट सेवंथ हाउस में बैठता है, मतलब किसी भी घर में बैठे, तो उस प्लेनेट उस हाउस में उस प्लेनेट की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ये मान लो, ये जैसे लड़की की कुंडली है तो आपकी वाइफ का घर होगा, तो वाइफ में सन की क्वालिटीज आ जाएंगी। हो सकता है आपकी वाइफ को सन से एंगर देखा जाता है, तो हो सकता है आपकी वाइफ का भी काफ़ी गुस्सेल हो। सन एक क्रूर प्लेनेट है, अशुभ प्लेनेट है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ थोड़ी सी क्रूर हो। ग्रह सूर्य को ग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है, तो आपकी वाइफ का जो नेचर हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि राजा की तरह हो, अपनी चलाने वाली हो, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। यहाँ पे बैठ के सूर्य जब कमज़ोर हो जाएंगे, अब देखो दोस्तों, सूर्य बैठे हुए हैं सेवंथ हाउस में, ये वैसे भी कमज़ोर हो गए। सेवंथ हाउस में तुला राशि बनती है, तुला राशि में जाके सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। सेवंथ हाउस में जो तुला राशि बनती है उसके जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र देवता बनते हैं। शुक्र और सूर्य में आपस में एनिमी का भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ पे सूर्य देवता किसी भी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे बैठ के सूर्य देवता आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहेगा, बिजनेस जिसके साथ करोगे वो आपको चीट करेगा, वो आपको डोमिनेट करके रखेगा, क्योंकि सूर्य तो राजा है, राजा अपनी चलाता है, अपनी मनमानी करता है। तो यहाँ पे सूर्य देवता नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जब भी सूर्य देवता सेवंथ हाउस में बैठे हो तो ऐसे इंसान को शादी 28 की उम्र के बाद करनी चाहिए। अब सूर्य देवता जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस के हैं, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया। फिफ्थ हाउस आपके लव रोमांस का है, वो उसका लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया, विवाह स्थान पे चला गया। तो ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आपका लव रोमांस हो उसके साथ शादी हो जाए, वो बात अलग है कि शादी खराब में इतनी हैप्पीनेस नहीं रहेगी, लेकिन विवाह के लव मैरिज के चांसेज हैं। फिफ्थ हाउस आपकी चाइल्ड का हाउस होता है, जब सेवंथ हाउस में जाएगा डेबिलेटेड हो जाएगा तो आपके चाइल्ड के हेल्थ इश्यूज रहेंगे, संतान होने में भी दिक्कत रहेगी। या आपके एजुकेशन का हाउस है तो हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ाई आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक अच्छी ना रहे। जो फिफ्थ हाउस है
वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का हाउस है। पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हो तो जब सूर्य देवता सेवंथ हाउस में बैठेंगे तो उनका प्रॉफिट आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा से जो अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं उनको भी देखा जाता है, तो उनसे आपको लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि सूर्य देवता सेवंथ हाउस में डिबिलेटेड हो चुके हैं। अब जब सेवंथ हाउस से बैठ के सूर्य देवता फर्स्ट हाउस में देखेंगे, कोई भी प्लेनेट अपने से सामने वाले घर को देखता है सप्तम दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्स्ट हाउस को देखेगा, फर्स्ट हाउस क्या होता है आपका, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी है आपकी। फर्स्ट हाउस आपके ब्रेन को दर्शाता है, आपके लुक्स को दर्शाता है, फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है। तो जब सब सन देखेंगे फर्स्ट हाउस को, तो यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उच्च की दृष्टि डालेंगे। ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो शुभ और अशुभ होती है। यहाँ पे सूर्य क्या एक अशुभ और क्रूर प्लेनेट है, जब सेवंथ हाउस में डालेगा तो आपकी पर्सनैलिटी में ईगो भर देगा, प्राइड भर देगा आपकी पर्सनैलिटी में। आप कोऑपरेट करके किसी के साथ काम नहीं कर सकते हो, एंगर इश्यूज रहेंगे आपके अंदर, सेल्फ प्राइड बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, जिसके साथ आपके जो रिलेशनशिप है हर किसी के साथ, पार्टनरशिप है, वो उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देंगे। तो दोस्तों ओवरऑल सूर्य यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे आपको। इसलिए अगर सूर्य देवता सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको 28 या 30 के साथ, 30 की उम्र के बाद में शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अलविदा।